दावे के साथ कह सकता हूँ, एक भी चाहे वो जेपीएससी हो चाहे जेईएससी के एग्जाम हो, समय पर एग्जाम भी होगा, समय पर रिजल्ट भी होगा। इसके साथ ही नहीं बल्कि झारखंड के भविष्य को भी बर्बाद करने की तैयारी हो। एक तो होनहार छात्रों का जो मार भात खा करके गरीब माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, और एक दो तीन नहीं 11-11 ऐसे दफाएं लगा देते हैं ताकि बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाए। अब पांचों की सरकार तो अभी तुरंत बनी है, अब तो झारखंड के बच्चों के भविष्य को भी बेचने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आप सब लोगों ने इस भ्रष्टाचार के विरोध में, करप्शन के विरोध में राजभवन के समक्ष एकत्रित होकर के आप सब लोग विरोध प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि वास्तव में ये भ्रष्टाचार नौजवानों के साथ ही नहीं बल्कि इस पूरे झारखंड प्रदेश को ये बर्बाद कर रही है। और इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ, जिस वक्त जेसीसी का एग्जाम की तारीख की घोषणा हुई थी, मैं याद है कि 2-3 दिन पहले से कई जगहों से लड़के लोग टेलीफोन कर रहे थे कि सर सीट बेचा जा रहा है। लोग बता रहे थे टेलीफोन करके 35 लाख 50 लाख। हमने कहा यार ऐसा कोई सबूत तो होना चाहिए, कैसे कहने से कैसे होगा, बेचारा सबूत कैसे इकट्ठा कर सकता है। लेकिन लोग कह रहे थे ये तो सब जगह से शिकायतें आ रही है। और वास्तव में शिकायत सुन करके मन को बड़ी बेचैनी होती थी कि भाई क्या हो रहा है राज्य में, इस प्रकार की स्थिति। ये सिर्फ बच्चों के भविष्य के साथ ही नहीं बल्कि झारखंड के भविष्य को भी बर्बाद करने की तैयारी हो रही। और वो समय से ये बात थी चल रही थी कि भाई इसका तो इस प्रकार के जो हालात है वो कतई नौजवानों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। नौजवान ही नहीं बल्कि संपूर्ण झारखंड वासियों को भी इस प्रकार के कदाचार को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज जॉब के लिए कोई 35 लाख 40 लाख 50 लाख रुपया वसूल करेंगे तो एक प्रकार से एक तो होनहार छात्रों का जो मार भात खा करके गरीब माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं ताकि किसी प्रकार से वो सफल हो जाए, वैसे होनहार और मेहनती बच्चों के ऊपर भी आघात करते हैं। और दूसरा, जो पैसे लेकर के अगर कोई कर्मचारी बनता है, सरकारी पदाधिकारी बनता है या दफ्तरों में कोई किराने बनता है, तो आप समझ सकते हो कि करप्शन की बुनियाद को डालता है। अब जब करप्शन की बुनियाद को जब डालेंगे तो फिर उसे फल क्या होगा, उसे तो करप्शन ही और पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो हालत पैदा किया इस प्रदेश के अंदर में, और ये पहली दफा नहीं हुआ है, ये 4 वर्षों में जितनी लंबी लंबी बातें किया, पहले भी आपको याद करिए जेपीएससी का जब एग्जाम हुआ था उस वक्त भी सीरियल से बच्चे लोग पास किया था, उस वक्त जब विरोध हुआ था उस वक्त पहले वो मानने को ही तैयार नहीं थे। और जब सबूत के साथ नौजवानों ने उस समय छात्रों ने परीक्षार्थियों ने दिखाया तो उसको स्वीकार करना पड़ा। और उसके बाद की घटना भी आप सबको पता है, जब नौजवान सड़क पर विरोध करते हैं तो उसके ऊपर केस करते हैं, उनको केस करके डराने की कोशिश करते हैं। और इस बार भी वही हुआ है, जिन लोगों ने गड़बड़ किया है, जिन लोगों ने बेचने का काम किया है ना नौकरी को, उसके लिए तोल मोल कर रहे हैं, पेपर आउट होता है, पेपर लीकेज होता है, उन संस्थाओं के ऊपर नेम्ड एफआईआर नहीं करते। जो संस्थान में जो लोग बैठे हुए उन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं करते, आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो सकता है। एफआईआर किसके ऊपर होता है, जो नौजवान सड़क पर आकर के जो विरोध करता है उन लोगों के ऊपर तो एफआईआर करते हैं, और एक दो तीन नहीं 11-11 ऐसे दफाएं लगा देते हैं ताकि बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाए। और इतना ही नहीं बल्कि कानून भी उन्होंने ऐसे बनाया, पिछले दिनों आप सबने देखा होगा
मानवों ने तो विधानसभा में भी उसका विरोध किया था, उसमें उन्होंने उन लोगों का भी जो छात्र विरोध करेंगे कदाचार की, जो इस प्रकार की गड़बड़ी होगा उसका जो आवाज उठाएंगे उनके ऊपर भी वो केस करेंगे, ताकि उस आवाज को भी दबाने की एक कोशिश करते हैं। इसलिए आज मैं यही कहने के लिए आया हूँ, आज जो झारखंड प्रदेश में पहले हेमंत सोरेन के नेतृत्व में क्या कहते हैं उसको पार्ट वन की सरकार थी, अब पार्ट टू की सरकार तो अभी तुरंत बनी है, लेकिन ये क्या करेंगे, ये तो लोग कहते हैं ना पूत के क्या कहते हैं पूत के पांव पालने में ही पहचाना जाता है, तो आज तो ये पहचान में आ रहा है, जब इतना बड़ा घटना घटा है 6 लाख से अधिक लड़के इस एग्जाम में शामिल हुए थे, दूर दूर के गांव से लोग आकर के मेहनत करके शामिल हुए, तभी एक छात्र का भी उल्लेख कर रहे थे, तो आप समझ सकते हो, लेकिन इसके बाद भी उन एजेंसी के ऊपर नेम डिफायर नहीं किया गया, उस जेसीसी के चेयरमैन उसके वहां के पदाधिकारियों के ऊपर एफआईआर नहीं किया गया, अब किसके ऊपर जांच दिया गया, एसआईटी को संभवतया कहा गया कि डीएसपी उसकी जांच करेंगे, अरे भाई वो डीएसपी क्या जांच करेंगे, जहां पर इतने बड़े बड़े लोग गड़बड़ करते हैं डीएसपी का कहा होता है हिम्मत होगी कि उन लोगों से वो जांच करके दोषियों तक वो पहुंच पाएंगे, ये तो लीपापोती करने की कोशिश हो रही है। तो आज तक पार्ट वन की जो सरकार थी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राजद की, तो इस सरकार ने पहले तो पत्थर को भी बेचने का काम किया, जमीन को भी बेचने का काम किया, बालू को भी बेचने का काम किया, लोहा को भी बेचने का काम किया, अब तो झारखंड के बच्चों के भविष्य को भी बेचने का काम कर रहे हैं, तो ऐसी सरकार को अब इस राज्य से उखाड़ने में ही फायदा है, और उसके लिए हमें लड़ना, क्योंकि आज इस प्रदेश की ये हालत ही लोगों ने पैदा कर दिया, अब उस योग को बेच रहा है, अब एक भी एग्जाम सही तरीके से नहीं करा पा रहे हैं, तो उसे क्या राज संभलेगा, क्या वो राज्य में वो कर सकते हैं, तो आज जो ये प्रदेश की जो हालात है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और आप देखे होंगे जिस प्रकार से इन्होंने गड़बड़ किया है, तो आज चंपई सोरेन जी से मैं कहूंगा क्या भी याद रखना, अगर आपने कहा कि उसी रास्ते पर उस काम को आगे बढ़ाएंगे, तो जैसे हेमंत सोरेन का राज ठिकाना हटवार जेल बना है, तो आने वाला कल अगर आप भी उसी रास्ते पर चलेंगे तो आपके लिए भी जगह वहीं सुरक्षित करा दी जाएगी, तो ऐसे ये कैसे चल सकता है, तो इस प्रदेश में रथ के राज्य के साथ ये लूटने में और लुटेरियों को जो संरक्षण देता हो, लुटेरियों को जो बढ़ावा देता हो, आज इस प्रदेश की यह हालत पैदा होंगी। आपने देखा कि इस प्रकार से हेमंत सोरेन जी सदन में जो कहते हैं, अभी आप सब लोग यहाँ उल्लेख किसी लड़का ने कर रहे थे कि भी हम झारखंड छोड़ देंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे, हमारा नाम बता दो, भाई किसको बता रहे थे नाम बता दो, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है उसमें नाम से नहीं होता है, बेनामी संपत्ति लोग अर्जित करते हैं उसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, और बेनामी संपत्ति इन्होंने किस प्रकार से अर्जित किया है, कई एक डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, नाम बदल बदल करके इस व्यक्ति ने जमीन लिया है, हेमंत सोरेन का नाम हम सब लोगों ने सुना है, बसंत सोरेन का नाम हम लोगों ने सुना है, शिबू सोरेन का नाम हम लोगों ने सुना है, दुर्गा सोरेन का नाम हम लोगों ने सुना है, लेकिन नाम बदला तो कहीं कुमार लग गया, नाम बदला तो कहीं प्रसाद लग गया, नाम बदला तो शिबू नहीं शिव हो गए, क्या बताएंगे ये भाई, आप नाम बदल बदल करके दूसरों के नाम से आप करते हैं, आप कहते मेरे नाम से वो 8.5 एकड़ जमीन नहीं है, आपके नाम से होता तो फिर दूसरा केस होता, मनी लॉन्ड्रिंग की नहीं होती, ये तो आपने उन लोगों के गरीब ऐसे लोगों के नाम जिसका कोई आधा पता नहीं है, और जेसीडीटी वालों ने इनको नोटिस किया, सम्मान किया, अगस्त के 7 या 8 अगस्त को इनको सम्मान किया,
इस 14 अगस्त को हाजिर होने के लिए, और हेमंत सोरेन जी 14 अगस्त को हाजिर नहीं होते, उनको ये पता चल गया कि हमको क्यों नोटिस किया गया। 15 अगस्त को झंडोत्तोलन करते हैं और 16 अगस्त को उस जमीन की रिस्टोर के लिए एक मुंडा से उन्होंने आवेदन कराते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, फिर आवेदन वो पढ़ा ही रहता है, उनको लग रहा था कि शायद कोई देखभाल नहीं करेंगे। वहां आपने देखा होगा कि वहां से इतने लोगों ने वीडियो भी बनाया था, जो वहां चौकीदारी करता है उस जमीन पर, उनसे पूछा गया कि जमीन है किसका, तो वो बताते क्या है कि आसपास के लोगों से पूछ लीजिए, तब हेमंत सोरेन जी की जमीन है, उन्हीं लोगों ने हमें भी यहाँ रखा है देखभाल के लिए। और आश्चर्य है और बोलता है कि हमारा उसे कोई संबंध नहीं है, मेरे नाम से नहीं है। कौन कहता है आपके नाम से? आपने बेनामी संपत्ति या कोई काली कमाई के पैसा को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? तो काली कमाई के पैसा को कहीं इन्वेस्ट अपने नाम से तो नहीं कर सकते हैं, दूसरों के नाम से करना। और जब पता चले तो वो कह देते हैं कि मेरा नहीं है, वो तो रिस्टोर हो गया। मैं तो लोगों से कहता हूँ, किसी की गाड़ी मान लो चोरी हो जाए और किसी के घर में पकड़ा जाए, उन्हीं के घर में, चोर के घर में की गाड़ी आपने चोरी करके लाया, वो कहेंगे मेरा नाम से तो गाड़ी है नहीं, भाई ये क्या मतलब है। और चोर पकड़ा जाए और वापस कर दे समाना, बोले कि मैंने तो वापस कर दिया, अब हमको कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। भाई किसको ये बना रहे हैं? तो आज इस राज्य में जिस प्रकार के मुख्यमंत्री है, और उसमें भी अब इनको नोटिस मिलता है, जब वहां से एसआर कोर्ट में जमीन वापसी की नोटिस देते हैं, लिखते हैं, आवेदन लिखवाते हैं, तो कितनी हड़बड़ी में होता है। 9 जनवरी को सीओ को जाता है जांच के लिए, सीओ इंस्पेक्टर को देता है, और 2 दिन में ही जांच करके सब वापस पहुंचा दिया जाता है एसआर कोर्ट को। और फिर क्या होता है एसआर कोर्ट में 29 तारीख को, यानी जिस दिन दिल्ली में हेमंत सोरेन को ईडी वाले खोज रहे थे, उस दिन यहाँ एसआर कोर्ट के ऑफिसर ने रिस्टोर कर देते हैं। कागज पत्तर भी उस दिन उनको पूरा रजिस्टर 2 वगैरह क्या होता है वो सब भी कर देते हैं। आज तो हमारे पास कोडरमा से ही लोग आए हुए थे, बोले कि यहाँ तो जिसकी खतियानी जमीन है उसका रसीद नहीं काटता है, उसके लिए लोग हमें बताते हैं कि सर एक बार सीओ को बोल दीजिए, एक बार डीसी को बोल दीजिए, और यहाँ तो एक दिन में काम हो गया। भाई हेमंत सोरेन जी, आप जांच एजेंसियों के आंख में इतना धूल झोंकने का मत करिए, पूरी दुनिया देख रही है। आपने किस प्रकार से रांची से लेकर के पूरी संथाल प्रकरण में दौलतों को इकट्ठा किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपका कौन सा फैक्ट्री चल रहा है, कौन सा उद्योग आपने चला रखे हैं कि आप इतनी सारी जमीन को आप ऑन कर रहे हैं? और आज तो अखबार में आप सब लोगों ने देखा, जिस BMW से घूम रहे थे, लोग कह रहे थे उस पैसा भी पेमेंट शायद यहाँ के जो सांसद है धीरज साहू जी, आप सबको राज्यसभा के सदस्य, आप सबको पता है पिछले दिनों उन्हीं के ठिकानों में इनकम टैक्स वालों ने छापा मारा तो 350 करोड़ रुपया मिला। उस समय भी हमने कहा था कि संभवतः ये पैसा तद हेमंत सोरेन का भी उसमें हो सकता है बड़ा हिस्सा। और आज जब वो आ रहा है कि आवाज, सवेरे अखबार में मैंने देखा तो BMW का कनेक्शन कहीं ना कहीं धीरज साहू जी के साथ है, तो मैं कह सकता हूं अगर ठीक से जांच होगी तो वो 350 करोड़ में भी हिस्सा आपको दिखाई पड़ेगा इसका पैसा है। जिस दिन भी इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक भी चाहे वो JPSC हो, चाहे JSSC के एग्जाम हो, समय पर एग्जाम भी होगा,
समय पर रिजल्ट भी होगा। अगर किसी भी नल के रिजल्ट में गड़बड़ी होगी तो एजेंसी क्या उस बोर्ड के तमाम जो पदाधिकारी होंगे, तमाम सदस्य और चेयरमैन होंगे, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। झारखंड के भविष्य के साथ, झारखंड के साथ कभी भी बर्बाद झारखंड को नहीं होने दिया जाएगा, ना इंसाफी नहीं होने दिया जाएगा। मैं यही आज आप सब लोगों को विश्वास दिलाने के लिए आया हूँ, क्योंकि आज इस प्रकार की जो स्थिति को सुनते हैं या देखते हैं तो लगता है कि क्या हो रहा है झारखंड में, झारखंड को किस प्रकार से लोग बर्बाद कर रहे हैं सत्ता में बैठ करके। भाई जमीन भी लोग बेच रहे हैं, जमीन भी लोग बेच रहे हैं। वैसे लोगों से हमें आप नौजवानों को, झारखंडियों को हमें सावधान करना पड़ेगा। गांव गांव में जाकर के क्या जरूरत है कि ऐसी सरकार को, ऐसी लोगों को हमें उखाड़ फेंकने की जरूरत है। तभी ये झारखंड का भविष्य सुधर सकता है, तभी झारखंड के नौजवानों का भविष्य ठीक हो सकता है, तभी लोगों को अवसर मिल सकता है। आप देखते होंगे इस राज्य के अंदर में हर विभागों में सीट वैकेंट पड़ा हुआ है।